दोस्तों, जब भी कभी हम इंडक्शन पे खाना बनाते हैं तो अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि इंडक्शन किस तरीके से काम करता होगा। बहुत बार हम इंटरनेट पे सर्च भी करते हैं कि किस तरीके से इंडक्शन काम करता है, लेकिन एंड में हमें कुछ पता नहीं चल पाता और हम सारी चीज़ों को वैसे की वैसी छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से इंडक्शन काम करता है और किस तरीके से सारी चीज़ें इंडक्शन के अंदर होती हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडक्शन कुकटॉप को ओपन करके देखोगे तो उसके नीचे आपको मिलेगा कॉपर वायर का एक कॉइल। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जनरली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। लेकिन उस कॉपर कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को उस कॉइल में पास कराते हैं तो इस कॉइल के चारों तरफ एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। दोस्तों, साइंस में बताया गया है कि किसी भी चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड के अगर आप रेडियस में किसी एक मेटल को लेके आओगे तो उस मेटल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और उस करंट को हम एडी करंट भी बोलते हैं। और इसी प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने इंडक्शन में। इंडक्शन का जो बर्तन होता है उस बर्तन के बेस में लगा होता है एक ऐसा मटीरियल जो कि फेरोमैग्नेटिक मेटल्स का बना होता है। दूसरी ओर जैसे ही हम उस मैग्नेटिक फील्ड के रेडियस में इंडक्शन के बर्तन को लाके रखते हैं, बर्तन के बेस में लगा होता है फेरोमैग्नेटिक मेटल। उस फेरोमैग्नेटिक मेटल में फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत ज़्यादा करंट डेवलप होता है, और उस करंट का जब वो मटेरियल अपोज करता है तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक हीट जनरेट होता है, और इसी हीट का इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन में खाना बनाने के लिए या फिर इंडक्शन के पैन को गर्म करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी इंडक्शन की कहानी कि किस तरीके से इंडक्शन काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से इंडक्शन काम करता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं वो भी जान सकें कि किस तरीके से इंडक्शन काम करता है। और दोस्तों, इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ अगर रह गई हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।